आई एम माइज अली। आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए किन किन शराइत का होना लाजमी है, मीन कंडीशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। लास्ट टाइम तक हम एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में कॉमन कॉमन कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे हर एक चीज के रेलिवेंट डिस्कस कर चुके थे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये बात डिस्कस करेंगे कि अगर आप एसिड बेस टाइट्रेशन करना चाहते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें होना जरूरी है जिसकी मदद से आप एसिड बेस टाइट्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिसिंग हुई तो आप एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं कर पाएंगे। सही है, फिर देखते हैं कंडीशन फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। कंडीशंस फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड हाइड्रेशन के लिए कौन कौन सी शराइत का होना जरूरी है। सबसे पहली शर्त कि जो एसिड बेस्ड हाइड्रेशन में रिएक्शन होता है टाइट्रेंट और टाइट्रेंड का, उसको आप इक्वेशन के थ्रू लिख पाए। सबसे पहली बात, मसलन मैं कहता हूं टाइट्रेंट और टाइट्रेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि टाइट्रेंट क्या होता है टाइट्रेंड क्या होता है। मैं कहता हूं ये मेरे पास एक ब्यूरेट है और इस ब्यूरेट के अंदर आपने जो भी सॉल्यूशन लिया होगा, यहां मैंने स्टॉपर लगा रखा है और इसके नीचे मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क लगाई हुई है। ये मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क है, सही है। अब इसमें मैंने सॉल्यूशन वगैरह लिया हुआ है। अब इसमें जो भी सॉल्यूशन लूंगा इसको मैं टाइट रेंट कह रहा हूं, टाइट रेंट। और इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन लूंगा इसको मैं टाइट रेंट कहूंगा, टाइट रेंट। पहली कंडीशन है कि जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, आप दोनों को मिलाएंगे मिक्स करेंगे, इसको आप केमिकल इक्वेशन के थ्रू लिख पाए। ये पहली इसकी कंडीशन होगी, द रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेंट शुड बी राइट इन द फॉर्म ऑफ, क्या आप उसको लिख लें किसकी शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पहली बात ये होनी चाहिए। सेकंड बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। रिएक्शन शुड स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि रिएक्शन खुद को खुद हो। अब थर्ड बात, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। अब डेल्टा जी क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अच्छा, डेल्टा जी कहते हैं फ्री एनर्जी को। ये तीन तरह की वैल्यूज शो करेगा डेल्टा जी, तीनों की पॉसिबिलिटीज बता देता हूं। डेल्टा जी तीन तरह की वैल्यूज शो करता है, तीन तरह के ही चांसेस हैं। कुछ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, कुछ जीरो होती है। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये बात याद रखिए। यानी कुछ ऐसी वैल्यूज होती है डेल्टा जी है फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कह सकते हैं, फिर फ्री एनर्जी जिब्स फ्री एनर्जी, ये पूरा वर्ड है जिब्स फ्री एनर्जी। इससे आप किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नेचर का पता लगा सकते हैं, अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपको पता है। अब देखिएगा, अगर तो डेल्टा जी की वैल्यू है नेगेटिव तो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू है पॉजिटिव तो रिएक्शन होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू है जीरो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा या फिर
रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं। फिर क्या होगा हमारे पास, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब फोर्थ टाइप आ जाती है, फोर्थ कंडीशन के जो आपने इस बेस टाइट्रेशन के हवाले से माइंड में रखनी है, वो ये है कि आपके पास कोई ना कोई इंडिकेटर हो। अगर आप इसके बेस टाइट्रेशन करना चाहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई इंडिकेटर अवेलेबल हो, दिया should be an indicator, क्या कोई ना कोई इंडिकेटर हमारे पास हो टू determine, मालूम करने के लिए, determine the end point को मालूम करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इंडिकेटर होना चाहिए। अगर इंडिकेटर की बात की जाए तो हमारे पास जो इंडिकेटर यूज करते हैं एसिड बेस्ड हाइड्रेशन में वो चंद एक ही हैं। फिनोफ्थलिन हम यूज कर सकते हैं, ये कॉमनली यूज करते हैं फिनोफ्थलिन। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज भी हम यूज करते हैं, मिथाइल रेड भी यूज करते हैं। ये हमारे पास चंद एक इंडिकेटर्स हैं जो कि हम कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अगर आप एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करना चाहते हैं किसी भी एसिड बेस की, उसके लिए कोई ना कोई इंडिकेटर हो। अच्छा, इंडिकेटर का फंक्शन क्या होता है? इंडिकेटर सिर्फ ये बात आपको कलर चेंज थ्रू कलर चेंज या कलर के तब्दील होने से आपको बताता है कि ये एंड पॉइंट आ गया, आप टाइट्रेशन बस कर दीजिए। वॉल्यूम नोट करें, नोट करने के बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके, M1V1/N1=M2V2/N2। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट बात है, लास्ट वाली बात है, कहता है जब भी एंड पॉइंट आए तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा एसिड बेस का, टाइट्रेंट और टाइट्रेंट का, तो इन दोनों के सोल्यूशन में कोई ना कोई फिजिकल चेंज आना चाहिए, फिजिकल या केमिकल चेंज आए जिसको हम डिटेक्ट कर पाए, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर एंड पॉइंट या इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देयर शुड बी अ फिजिकल और केमिकल हो इन सॉल्यूशन ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो जब भी आप एसिड बेस टाइट्रेशन करें, जो आपके पास यहां पे सॉल्यूशन बनना होगा, उसमें कोई ना कोई एंड पॉइंट के करीब आके कोई ना कोई चेंज लाजमी आना चाहिए, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये एंड पॉइंट आ गया। लास्ट वाली बात, एक और भी हम कह सकते हैं कि जो एसिड और बेस के दरमियान में रिएक्शन वो फास्ट होना चाहिए, शुड बी फास्ट। द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस शुड बी फास्ट, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस should be fast, ये बहुत तेज होना चाहिए, ताकि जैसे तेजी से रिएक्शन होगा हमें एंड पॉइंट बहुत जल्दी मिल जाएगा, हमारी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। ये थे हमारे पास चंद एक कंडीशंस, कौन सी कंडीशन होंगी तो एसिड बेस टाइट्रेशन होगी। अगर इसमें एक भी कंडीशन में अगर रिएक्शन स्लो हो जाता है तो आपके पास एसिड बेस टाइट्रेशन कर तो लेंगे, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो करेक्ट नहीं होगा। सही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस बेस टाइट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको इन कंडीशन के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये है।